नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्श्वनी शहर में दशहरा त्योहार बड़े ही धूमधाम और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां रावण दहन स्थल पर झांकियों को देखने परिवार के साथ लोग आते हैं। वहीं हजारों नगरवासी एकत्रित होकर इस त्योहार को मनाते हैं। त्योहार के दिन किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासन की ओर से पहले से ही उचित सुविधाएं निर्माण कर शांति बने रहे, इसलिए पार्श्वनी तहसील कार्यालय में मंगलवार की सुबह उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपति रामटेक की अध्यक्षता में शांतता समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें आशीष कामरे, तहसीलदार रंजीत दुसावार, थानेदार राहुल सोनवा ने, मुख्याधिकारी अर्चना बंजारी, पंचायत समिति बीडीओ सुभाष यादव, साथ ही इस मौके पर अन्य विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। आने वाले त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए आह्वान इस अवसर पर नगरवासियों से किया गया। इनबीसीएन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट। गोंदिया में 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक स्वर्गीय ममता देवी वर्मा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा कार्यक्रम मनाया गया। पहले दिन कक्षा के 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों ने पक्षियों के ऊपर शाले परिपाठ का आयोजन किया और डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक इनके ऊपर जानकारी दिया गया। दूसरे दिन लुप्त प्रजातियां इस विषय पर कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों ने परिपाठ का आयोजन किया। तीसरे दिन कक्षा 5वीं और 6वीं के विद्यार्थियों ने जलचर प्राणी इस विषय पर परिपाठ का आयोजन किया। विद्यार्थियों के द्वारा कविता गायन व अवेयरनेस दिया गया। चौथे दिन कक्षा 4वीं और 3री के विद्यार्थियों ने सरीसृप प्राणी रेप्टाइल इस विषय परिपाठ का आयोजन किया गया। पांचवे दिन वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वन्य जीव संवर्धन इस विषय पर परिपाठ का आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में हमारे पाठशाला के प्रिंसिपल सर परिजात विश्वास, प्री प्राइमरी मुख्य अध्यापिका रोजलिन वॉल्टर, समन्वयक आसमा खान, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। इन्होंने सभी विद्यार्थियों की स्तुति कर सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की और इस प्रकार कार्यक्रम का समारोह किया गया। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया जिले के हाल ही में अवार्ड प्राप्त हुए अस्पताल भानपुर आरोग्य वर्धिनी केंद्र है, जहां डॉक्टर शुभम बिसेन कार्यरत है। हाल ही में जनप्रतिनिधियों ने एक यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर के काम को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसकी जानकारी के बाद बिसेन न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट ने इस मामले को समझने की कोशिश की और भानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच से बात की, जिसमें डॉक्टर पर लगाए आरोप बेबुनियाद है। वर्चस्व की लड़ाई में ये स्वास्थ्य सेवा जैसे पवित्र काम करने वाले डॉक्टर को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं जिस न्यूज पोर्टल ने ये खबर चलाई थी, जिसमें सच्चाई का पता चलने के बाद उन्होंने भी लोगों की प्रतिक्रिया ली, जिसमें डॉक्टर को बदनाम करने का एक प्रयास था, ऐसा बताया गया है। जिला शल्य चिकित्सक की टीम ने इस प्रकरण की जाँच की, जिसमे अहवाल प्राप्त होना बाकी है। वीडियो देखे तो मेरे को बहुत गलत लगा और हमारे पीएससी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिसेन सर आने से 2 साल हो गया, बिसेन सर आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छी सेवा दे रहे हैं। जून के खिलाफ शायद उनकी स्टॉप होल्डर ने जो लगाया है आरोप, वो सरासरी गलत है। दूसरी बात, हम आते जाते रहते हैं हॉस्पिटल में, हमारा आना जाना होते रहता है। 2-4 दिन में फैमिली में किसी को कुछ हुआ तो हम डॉक्टर साहब के तरफ ही जाते हैं। डॉक्टर साहब हमको 24 आवर्स अवेलेबल सुविधा हमारे लिए उपलब्ध कराते। दूसरी बात, अगर हमको कुछ कम ज़्यादा भी होता है तो डॉक्टर साहब हमारे लिए कभी भी 24 आवर्स खड़े रहते। सर, ये जो सर के ऊपर कंप्लेंट की है कुछ कर्मचारी ने, ये पूरी तरीके से गलत है और ये आरोप पूरे खोटे हैं। नहीं, इस प्रकार से है नहीं, ऐसा है कोई भी शासन में के नियम के हिसाब से जो कार्रवाई बैठना चाहिए, कार्रवाई जो करना चाहिए वो कार्रवाई के हिसाब से होना चाहिए। ये मतलब ये ऐसे गलत सलत बोलना ये बराबर नहीं है। डॉक्टर शुभम बिसेन के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, जितने भी स्टाफ ने लगाए गए हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं, क्योंकि मैं सर के साथ 24 घंटे 2 साल से 24 घंटे काम करती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर उसी पीएससी में काम कर रही हूँ। तो आज तक मैं भी एक स्टाफ हूँ, अगर चाहते तो छड़ होता है तो सबके साथ होता है कि नहीं, किसी एक को अलग और दूसरे को अलग, ऐसा तो कुछ होता नहीं। और वो वैद्यकीय अधिकारी है, उनको पूरा पीएससी के वो इंचार्ज है, तो उनको पूरी चीज़ें और पूरा काम संभालने का उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। अगर कुछ काम अगर उनको करवाना है तो अपने स्टाफ से ही करवाएंगे ना, कोई अलग दूसरे लोगों से तो नहीं करवाएंगे। मेरा पूरा नाम योगेश विश्वन पटेल, मुक्का भारपुर पोस्टर होगा का कालीपा जिला में। मैं उप सरपंच कार्यरत पर अभी उपस्थित मतलब कार्यरत पर हूँ मैं,
और हमने कल वीडियो देखा विशेष सर का कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र भानपुर में ऐसा ऐसा ये वीडियो में मतलब जो बोले गए कि सरपंच और उप सरपंच ने ये बोले कि कंप्लेंट किए सर की विशेष सर की, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट वगैरह हमने किए नहीं और हमारे गांव के लोगों ने भी कंप्लेंट नहीं की। दूसरी बात सर, और यहाँ पर हमारी आरोग्य केंद्र जो पहले का आरोग्य केंद्र से अभी बहुत ही ज़्यादा 2 साल में चेंजेस आ गया, और दूसरी बात अभी अपने को हमारे आरोग्य केंद्र का अभी तक के नाम कहीं अवार्ड वगैरह नहीं मिला था, लेकिन अभी हमारे आरोग्य केंद्र का अवार्ड भी मिला, और दूसरी बात हमारी पीएससी भी बहुत आगे बढ़ रही है। अभी यहाँ तालुका जिले में अभी कुछ भी बोलो हमारा सबसे बड़ा केंद्र ये वाला ग्राम भानपुर का केंद्र है, और यहाँ पर हमारे विशेष सर से भी हमारे से कॉन्टेक्ट होता है, तो हम यहाँ डेली आते हैं, वो कार्यरत यहाँ हमेशा रहते हैं, चाहे ओपीडी का मैटर हो, यहाँ के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोग बिल्कुल व्यवस्थित यहाँ का काम करते हैं। अभी जब भी यहाँ मीटिंग होती है या छोटी सी मीटिंग से मीटिंग होती है तो हम यहाँ आते हैं, और यहाँ मासिक सभा होती है या जो भी सभा होती है, हर सभा में सरपंच उप सरपंच हमको गाँव के अधिकारी लोगों को कर्मचारी लोगों को सभी को पदाधिकारी लोगों को बुलाया जाता है, और यहाँ पर ऐसी कोई बात हुई नहीं है, और बिल्कुल व्यवस्थित ये पीएससी चल रही है। यहाँ पर ऐसे डॉक्टर साहब ने ऐसे कोई शब्द वापरे नहीं, चाहे हमारे ग्रामीण लोगों के साथ में हो या महिला लोगों के साथ में हो, जब भी महिला लोगों की डिलीवरी आती है तो महिला लोगों के पास में घर तक गाड़ी पहुँचती है, और छोड़ना रहा तो छोड़ने के लिए भी गाड़ी। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर। श्री बालमित्र गणेश उत्सव मंडल सुभाष वार्ड में बीते 20 साल से सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव बड़े ही परंपरागत तौर पर मनाया जा रहा है। सुभाष वार्ड में गणेश जी की स्थापना 12 दिनों के लिए की गई है। समिति की ओर से इन 12 दिनों के भीतर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर गणेश जी की स्थापना की गई, 13 अक्टूबर शुक्रवार गणपति बापा को बिदाई दी जाएगी। श्री बालमित्र गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष अंकुश बोकड़े, पीयूष राउत, उमेश रेवतकर, लोकेश शिंदे, इन सभी ने गणेश उत्सव के लिए अथक प्रयास किया है। एनबीसी न्यूज के लिए सिहोरा से रणधीर नीमा की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।